बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ आज मैं आपको विज़िट करा रही हूँ इम्तियाज़ सुपरमार्केट का। यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था अंदर, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग के लिए थोड़े से यहाँ वीडियो बनाई है, राशन के रेट्स बताए हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको इन्जॉय कराते हैं अपना ब्लॉग। यहाँ स्टार्टिंग में मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ इनके वॉलेंटियर्स थे और वो मना कर रहे थे वीडियो बनाने को। तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला वहाँ वहाँ मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पर जो है बाहर के मुकाबले में यहाँ मसाले वगैरह जो हैं मुनासिब थे, और बहुत सारी चीज़ें थीं यहाँ पर जो बाहर के मुकाबले में बहुत मुनासिब रेट पे मिल रही हैं। यहाँ पे देखें, मैं आपको रेट बताते चलूँ। पिसी हुई मिर्चों के 200 ग्राम्स के 195 और 100 ग्राम के 95 रुपीज़ थे। यहाँ लाल मिर्च 400 ग्राम 385 की थी, 195 की जो है वो कुटुही मिर्चें थीं। साबुत मिर्चें 99 रुपीज़ का पैकेट था। और पिसा हुआ धनिया जो है वो यहाँ पर है 49 रुपीज़ का 100 ग्राम है, और 99 रुपीज़ का 200 ग्राम है। हल्दी 45 रुपीज़ की थी यहाँ पर। ज़ीरा वाइट पाउडर 100 ग्राम्स 159। इसके अलावा गरम मसाला 100 ग्राम्स 149 में, और ब्लैक पेपर पाउडर 165 में था। दालचीनी 100 ग्राम्स आपको मिलेगी, कार्डमन ग्रीन 139 में, और जवतरी 189 में। और इसके अलावा और भी जितने आइटम्स होते हैं बाहर के मुकाबले में यहाँ पर बहुत साफ सुथरे और बहुत ही कम पैसों में आपको इजीली मिल जाएंगे। ज़ीरा जो है 100 ग्राम्स 145 का है और 250 ग्राम 349 रुपीज़ में है। ज़ीरा ब्लैक 79 रुपीज़ में, लॉन्ग भी है यहाँ। और चाइना ग्रास और 85 रुपीज़ में लॉन्ग है, 165 रुपीज़ में उससे ज़्यादा ग्राम की है। और काली मिर्चें हैं 165 रुपीज़ की 100 ग्राम है, और 399 रुपीज़ की 250 ग्राम है। धनिया है यहाँ पर साबुत धनिया, और वाइट ज़ीरा 250 ग्राम हो गया। और बाकी ये तिल हैं 75 रुपीज़ में। चाट मसाला 95 रुपीज़ का है। और यहाँ पर बेकिंग सोडा और मिश्री, और यहाँ पर ये एवरीथिंग बहुत साफ़ सुथरी है हर चीज़। सागुदाना 79 रुपीज़ में है, और कलौंजी 75 रुपीज़ में है। मुझे भी जो जो लेना था साथ साथ में वीडियो भी बना रही थी और अपने लिए ग्रॉसरी भी करती जा रही थी। सोया होता है 55 रुपीज़ में, मस्टर्ड सीड 45 रुपीज़ में 100 ग्राम है। मेथी दाना 35 रुपीज़ में 100 ग्राम है। और गंदक 250 ग्राम आपको मिलेगी, मिल रही है 99 में। लुबान 100 ग्राम 55 रुपीज़ में था। और यहाँ है जौ का आटा 75 रुपीज़ में, आधा किलो का पैकेट मिल रहा था। यहाँ पे अभी सूजी वगैरह शॉर्ट हुई हुई है, तो यहाँ पे सूजी भी नहीं थी, चावल का आटा भी यहाँ अभी अवेलेबल नहीं था। बाकी बेसन है और मैदा है, और यहाँ पे कनौर के क्यूब्स वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इजीली अवेलेबल थी। ये अब हम आ गए थे ड्राई फ्रूट्स की तरफ। तो यहाँ मैं डिटेल में वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि यहाँ पे खजूरें वगैरह बहुत अच्छी होती हैं। और यहाँ प्रमोशन ऑफ़र लगी हुई थी चीज़ वगैरह पे, और ये देखें 899 रुपीस में यहाँ काओ चीज़ थी। और यहाँ पे भी यहाँ मैंने यहाँ से नूडल्स वगैरह भी लिए हैं, और ये देखें बाहर के मुकाबले में बहुत सही रेट थे। यहाँ सारे एसेंस वगैरह हैं, कुकिंग चॉकलेट्स थी, ये सारा हमारा बेकिंग का आइटम्स यहाँ पर था। क्रेप वालों के कोको पाउडर है, और बहुत सारी यहाँ बेकिंग का सारा सामान मौजूद था। वीडियो को अपने जारी रखा कि किसी तरह आप लोगों को मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे सकूं।
पॉरेज 455 रुपीस में 500 ग्राम है। अच्छा, यहाँ नेशनल के सारे फ्लेवर थे जैम में, मगर सिर्फ एक वही फ्लेवर नहीं था जो मुझे चाहिए था, और मुझे चाहिए था एप्पल डिलाइट, जो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा है। कॉफ़ी, सर्दियों की सौगात। बाकी कोल्ड ड्रिंक की भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रेंज है, दावतें हों कुछ भी हो, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ईज़िली यहाँ से ले जाएं। यहाँ पे भाई हमें तो अदन ने परेशान कर दिया था क्योंकि उनको गन चाहिए थी। अब हम जा रहे हैं काउंटर की तरफ बिलिंग करवाने, लेकिन इससे पहले आप यहाँ के सैलेड ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यहाँ के सैलेड बहुत अच्छी होती है। पर केजी 499 रुपीज़ की है, और अदन यहाँ पर भाई मुसलसल नाराज़ हैं कि उनको गन चाहिए, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा बातों में लगाया, लेकिन वो बातों में नहीं आए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।